हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। मैं राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, गवर्नमेंट कॉलेज मेडिका सिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है रासायनिक पद्धति। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक रसायन ज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है जिसका नाम रासायनिक पल गतिकी है। इस टॉपिक को समझने से पहले हम अपना इसका बैकग्राउंड है वो जानते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम जानते हैं, कोई एक विशेष गुण युक्त कोई पदार्थ है और उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन ताप से हो सकते हैं, दाब से हो सकते हैं, कोई भी बाह्य कारण है, और उसमें बदलाव होने से वो एक अन्य पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। वो अन्य जो पदार्थ बनेगा उस पदार्थ के भौतिक और जो रासायनिक गुण है वो पहले वाले से कुछ भिन्न होते हैं। तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, ये कोई पहले पदार्थ था और इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन होने के पश्चात ये किसी दूसरे पदार्थ में रूपांतरित हो गए और उसको हम यदि प्रारंभिक पदार्थ जो अंतिम पदार्थ बना था उसको हम रसायन की भाषा में कहें तो अणु सूत्र के रूप में लिखकर उसको एक समीकरण का रूप दिया जाए तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण, जो हम काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें जो प्रारंभिक पदार्थ था जिसके गुणों में परिवर्तन हुआ था उस पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। तो मैंने कहा लिख दिया रिएजेंट, ये तो है अभिकारक। और जो नया बनता है उसको हम बोल देते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट, उत्पाद। और इनके बीच में अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है और उस तीर के निशान की दिशा है वो अभिकारक से उत्पाद की तरफ होती है। इसका अर्थ ये होता है ये पदार्थ था इसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन में और परिवर्तन होने के पश्चात में ये बना तो ये दिशा इसकी तरफ होगी। कई बार डबल एरो वाला अलग लगाते हैं, वो अलग अलग परिस्थिति अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया होती है, कोई उत्क्रमणीय होती है, कोई अनुत्क्रमणीय होती है। हम इसको इस तरह से मान सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अर्थात ये पदार्थ है इसमें परिवर्तन होने के पश्चात इसमें बदल गया, अब ये वापस है इसमें बदलाव हो गया पुनः इसमें नहीं बदल सकता, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम देते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और यदि बना हुआ उत्पाद प्रोडक्ट है उसमें परिवर्तन होने के पश्चात पुनः उसी मूल यौगिक में यदि बदल गए और ये इसमें बदलता रहे तो इस प्रकार के अभिक्रियाओं को बोला जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अर्थात वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है और वे अभिक्रियाएं जो एक दिशा में संपन्न होती है उनको हम कह देते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ले रहे हैं और इसी को ही थोड़ा सा हम समझेंगे इस रासायनिक प्रवृत्ति के संदर्भ में। फिर भी हम ये कहते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया दैनिक जीवन में भी काफी सारी घटनाएं होती है, जैसे अपना भोजन का जो पाचन होता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि वो जीव शरीर में हो रही है एंजाइमों के द्वारा होती है, तो हम उसका नाम दे देते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो हम उनको बोल देते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं ना जिसमें ना प्रकाश की आवश्यकता होती है ना इसकी उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, तो वो साधारण रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसमें रासायनिक कुछ रसायन होते हैं, मोस्टली हम रसायन की भाषा में कहें तो उन पदार्थों को हम रासायनिक कहते हैं। वो रसायन है एक रसायन है किसी दूसरे रसायन में बदलता है, उसको हम एक समीकरण के रूप में डालते हैं उसको हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण या रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है वो कुछ उन पदार्थों के बारे में भी प्रकार कई जानकारियां भी देते हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है, इनकी सांद्रता क्या होती है या इनकी सेकेंड ऊर्जा क्या होती है, इस प्रकार की कुछ हमें जानकारी मिलती रहती है। तो वो रासायनिक समीकरण से हम इस तरह से लिखते हैं कि उस रासायनिक समीकरण से उसके बारे में कुछ हद तक जानकारियां हैं वो मिल जाए। ये बात तो थी पहले। अब थोड़ा हम ये देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया इस रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में हम जो अपनी ये भौतिक रसायन है, रसायन विज्ञान को हम मोस्टली तीन क्षेत्रों में बांट देते हैं, एक होता है कार्बनिक रसायन का क्षेत्र, एक होता है अकार्बनिक रसायन का क्षेत्र और एक होता है भौतिक रसायन का क्षेत्र। तो कार्बनिक वाले में हम जानते ही हैं कार्बन या कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड
कौन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी एक ब्रांच अलग कर दी। बाकी बच्चे वे हैं जो योगिक होते हैं, उनको हम अकादमिक कहते हैं, उनका अध्ययन अलग, असाइनमेंट अलग है। लेकिन कुछ ये जो भौतिक रसायन वाला है, उसमें हम भौतिक के जो नियम होते हैं उनकी सहायता से उन यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उनके भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उनका अध्ययन करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के बल लगते हैं। अट्रैक्शन का मतलब विभिन्न प्रकार के बल, उसमें अट्रैक्शन वाला भी आ सकता है, अट्रैक्शन वाला भी आ सकता है, उनका जो अध्ययन करते हैं वो फिजिक्स के कुछ आधारभूत नियम होते हैं उनके द्वारा करते हैं, तो उसको हम सम्मिलित रूप से कहते हैं भौतिक रसायन का क्षेत्र। और भौतिक रसायन की एक जांच ये होगी रासायनिक बल गति की। ये तो जिसका थोड़ा प्राथमिक नॉलेज था। अब टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि कोई भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, तो पहली बात तो ये है कि ये इसमें बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये भी संभव है। भाई ये चोक है, ये चोक कुछ रसायनों से मिलकर बना हुआ है, ये किसी दूसरे में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, एक बात तो ये है। यदि बदलेंगे तो किस गति से बदलेंगे, कितना परिवर्तन होगा, वो एक अलग क्षेत्र हो गया। तो हम दो चीजें देखते हैं, उष्मा गति के पहलू और एक होता है बल गति की पहलू, बल गति की और एक उष्मा गति की, दो ब्रांच है, महत्वपूर्ण है। तो उष्मा गति के पहलू ये कहता है कि मान ली हमने ये एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, या ये कहें ये अभिक्रिया किसी अभिक्रिया के होने या ना होने के आधार पर हम इनको तीन भागों में बांटते हैं। कि एक तो वे अभिक्रिया होती है जो अपने आप होती है, जिनको हम कहते हैं स्वतः अभिक्रिया। एक वो अभिक्रिया होती है जो अपने आप संपन्न नहीं होती, हमें कुछ बाहर से कारक लगाने पड़ते हैं, ताप बढ़ाना पड़ता है या दाब बढ़ाना पड़ता है या उत्प्रेरक लगाना पड़ता है, तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को बोलते हैं अस्वतः अभिक्रिया, स्पोन्टेनियस, और ये होती है नॉन स्पोन्टेनियस। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें अधिकारिक उत्पाद भी बदलते हैं, बना हुआ उत्पाद है वो अधिकारिक में भी बदल जाता है, उनको हम बोल देते हैं समय वाली इक्विलिब्रियम वाली अभिक्रिया। तो हम ये देखते हैं उष्मा गति की हमें क्या बताती है, उष्मा गति की एक अलग चैप्टर है वो भी अपन पढ़ेंगे, जो हमने सेकेंडरी की क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा उसका हम ये देख लेते हैं। उष्मा गति की किसी अभिक्रिया के होने या न होने के बारे में जानकारी देती है, तो ये अभिक्रिया है तो उष्मा गति की ये कहती है कि ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो उसके मूलभूत तीन बिंदु थे, कसौटियां थी, उनके आधार पर वो कहती है कि ये होगी या नहीं होगी। उसमें पहला था ऊर्जा का प्रश्न, ऊर्जा के आधार पर बताया गया कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, और यहां पर ऊर्जा से अपना तात्पर्य है एंथैल्पी, कौन सी ऊर्जा, एंथैल्पी, और एंथैल्पी को हमने नेक्स्ट के द्वारा लिखा था। तो एंथैल्पी परिवर्तन देखा गया, तो एंथैल्पी परिवर्तन के आधार पर हमने दो भागों में बांटा था अभिक्रिया को, एक होती है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और एक होती है उष्मा शोषीय अभिक्रिया। तो मोस्टली ये देखा गया वे अभिक्रिया संपन्न होती है या स्वतः होती है जो उष्मा क्षेपीय होती है, यानी जिनके लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, उष्मा का क्षेपण होता है। क्यों, अभी कैसे हुआ, डेल्टा एच का मतलब होता है इसकी भी एंथैल्पी होती है, इसकी भी एंथैल्पी होती है, तो डेल्टा एच इक्वल टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, ये हम लिखते हैं। अब यदि प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा थी, तो इसका मान किसमें आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, या ये कहें डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अभिक्रिया स्वतः होगी। इस वन कंडीशन नेगेटिव है तो हम ये कहेंगे स्पॉन्टेनियस होगी या ये कहें स्वतः होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वे अभिक्रिया जिनके लिए डेल्टा एच का मान है पॉजिटिव होता है, तो वो कौन सी बन जाएंगे फिर, अस्वतः। ये एक पहले कसौटी रखी गई थी उष्मा गति के लिए कि अभिक्रिया होनी हो रही ना हो, या स्वतः या अस्वतः के लिए। लेकिन फिर ये देखा गया कुछ अभिक्रिया ऐसी थी जो उष्मा क्षेत्र यानी जिनके लिए डेल्टा एच का मान है नेगेटिव था, लेकिन फिर भी वो स्वतः अभिक्रिया थी, और कुछ अभिक्रिया ऐसे थी जिनके लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव था लेकिन वो अभिक्रिया स्वतः थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी है किसी अभिक्रिया के स्वतः या अस्वतः होने की पूर्ण रूप से कसौटी नहीं है, फिर इसको छोड़ दिया गया उष्मा गति की। तो फिर इसकी बात के लिए
तो एक और नई क्रम का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं एंट्रोपी, एंट्रोपी जिसको लिखा जाता है एसपी। हालांकि ये आपने पहले भी कितना सुन पढ़ा है, ज्यादा रिजल्ट नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा सा क्योंकि हमें बल गति की पड़ती है तो हम छोटे छोटे उसको एक बार डिवाइड करते हैं एंट्रोपी। अब एंट्रोपी वही है, डेल्टा एस का मान या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या फिर जीरो आएगा। तो हम स्वयं कह सकते हैं कि डेल्टा एस एंट्रोपी परिवर्तन वही एंट्रोपी प्रोडक्ट की माइनस एंट्रोपी रिएक्टेंट ये है। और इसमें यदि इसका मान आ गया नेगेटिव या फिर इसका मान आ सकता है पॉजिटिव, दोनों संभावनाएं हो सकती है, इफ नेगेटिव इफ पॉजिटिव। यदि इसका मान नेगेटिव आ गया तो यह कहा गया कि यह अभिक्रिया होगी अस्वच्छ, और यदि एंट्रोपी परिवर्तन है वो आ गया पॉजिटिव तो हम ये कहेंगे स्वतः। थर्मोडायनेमिक का ये दूसरा नियम भी था एंट्रोपी को लेकर, और थर्मोडायनेमिक का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ती जा रही है, इसका मतलब अव्यवस्था का मान है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि एंट्रोपी हमें किसी भी तंत्र में अव्यवस्था की मान को बताती है। तो ये मान है वो गुणात्मक है ना कि मात्रात्मक, अव्यवस्था बढ़ रही है कितना बढ़ रहा है वो एक अलग चर्चा का विषय है। तो एंट्रोपी के आधार पर यह कहा गया कि ये अभिक्रियाएं जिनके लिए एंट्रोपी पॉजिटिव है, यानी ये कहें कि अभिकारक के उत्पाद बढ़ने पर अव्यवस्था बढ़ रही है एंट्रोपी बढ़ रही है तो हम कहेंगे वो अभिक्रिया स्वतः है। लेकिन यदि अभिकारक के उत्पाद बदलने पर यदि एंट्रोपी परिवर्तन है वो कैसा हो गया ऋणात्मक तो हम कहेंगे वो अभिक्रिया अस्वतः है। तो ये काफी समय तक चला लेकिन फिर वही एंथैल्पी वाली बात, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी थी जिनके लिए एंट्रोपी परिवर्तन है वो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव था लेकिन अभिक्रिया कैसी थी स्वतः, तो वो स्वतः कैसे हो गई तो एंट्रोपी में उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं था। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी थी जिनके लिए एंट्रोपी का मान पॉजिटिव था लेकिन फिर भी वो अभिक्रिया कौन सी थी स्वतः, पॉजिटिव होना स्वतः के लिए लेकिन पॉजिटिव होने के बाद में वो कौन सा मिल गया अस्वतः मिल गई। इसका मतलब एंट्रोपी भी किसी अभिक्रिया के स्वतः होने या ना होने की पूर्ण कसौटी नहीं है। तो फिर एक ऊष्मागतिकी का एक नया पद या ये कहें एक नई अवस्था चक्र का निर्माण हुआ कुछ वैज्ञानिकों ने, गिब्स और कुछ और उसके एटोन थे, उन्होंने एक नए पद का सर्जन किया जिसको कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसको हम लोग कहें कैपिटल जी के आज के इसको सिर्फ गिब्स ऊर्जा लिखा जाता है, मुक्त शब्द हटा दिया है क्यों, क्योंकि मुक्त शब्द से ये होता है कि कोई ऊर्जा उससे रिलीज हो रही है ऐसा कुछ नहीं है, ये इन्हीं का ही एक रिजल्टेंट होता है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी, और इसका अंतर होता है डेल्टा जी उत्पाद की भी होती है और अधिकारक की भी होती है। यदि डेल्टा जी का मान है नेगेटिव है तो वो अभिक्रिया कैसी होगी स्वतः होगी, और यदि डेल्टा जी का मान है पॉजिटिव है तो वो अभिक्रिया कैसी होगी स्वतः होगी सॉरी अस्वतः होगी। ये एक निश्चित था और सब अभियों पर लागू किया गया तो डेल्टा जी इसको सभी अभिक्रियाओं के लिए स्वतः होने ना होने की एक पूर्ण रूप से कसौटी बन गई। अब चूंकि डेल्टा जी सिर्फ सीधे तौर पर इसका मापन नहीं कर सकती तो एक ऊष्मागतिकी का महत्वपूर्ण ही संबंध है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ई डेल्टा एस, यानी डेल्टा जी अगर किस पर डिपेंड करती है एंट्रोपी पर डिपेंड करती है और एंथैल्पी पर डिपेंड करती है, और जो अभिक्रिया है अभिक्रिया विशेषता का उपयोग करता है उसके ऊपर भी उसका मान है निर्भर करता है। तो इन्हीं के बेस पर टेम्परेचर बढ़ सकता है घट सकता है, कोई अभिक्रिया किसी टेम्परेचर पर यदि अस्वतः है तो किसी दूसरे टेम्परेचर पर वो स्वतः भी हो सकती है। तो इस तरह से ये कुछ एक कंडीशन थी जो हमने पीछे की कक्षाओं में पढ़ी थी, तो हम यहाँ पर स्वतः और अस्वतः होने की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा जी का मान यदि नेगेटिव है तो वो अभिक्रिया होगी स्वतः, और डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है तो वो अभिक्रिया हो जाएगी अस्वतः, और ये सभी कंडीशन के लिए अप्लाई होता है। ये सभी अभिक्रियाओं की स्वतः और अस्वतः होने की शर्त को पूर्ण रूप से की पालना करती है। तो इसी को ही एक ऊष्मागतिकी का आधार मान लिया गया कि ये
अभिक्रिया किस करता है वो एस लगता है होने की एक पूर्ण कसौटी है। यह तो था अभिक्रिया के होने को है ना होने, ये तो बता दिया। क्योंकि हम बल गति के में जब तक कोई अभिक्रिया नहीं होगी तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे और अभिक्रिया के होने और ना होने के बारे में ये हो गया। हमने ये भी डिसाइड किया कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, लेकिन अब बात यह है कि अभिक्रिया होगी तो उसका आगे हमें अध्ययन करना है, नहीं हो रही है वो तो एक अलग बात है, उसको हम करवाएंगे कुछ कारक लगाकर करवाएंगे, बाई अपस्थितियां लगाकर करवाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अभिक्रिया जो हो रही है स्वतः हो रही है या कुछ कारक लगाकर हो रही है, अभिक्रिया हो रही है इसका मतलब ये अभिक्रिया हो रही है। और इस अभिक्रिया के लिए अब ये कुछ एक बातें हैं उनको समझने के लिए एक नई शाखा का निर्माण हुआ जिसको हम कहते हैं रासायनिक बल गति की। ये अभिक्रिया मान लीजिए हो रही है स्वतः हो रही, तो ये अभिक्रिया होगी तो किस गति से होगी या इसका वेग क्या होगा, तो हम ये कहेंगे इस अभिक्रिया का वेग। अब वेग मंद भी हो सकता है तीव्र भी हो सकता है, तो उसके आधार पर हमने अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा था। एक होती है अभिक्रिया मंद वाली, मंद गति की अभिक्रिया जिनका वेग बहुत ही कम होता है, और ये कहे कुछ साल भी लग सकते हैं कुछ दिन भी लग सकते हैं उनको मंद गति में रखते हैं। जैसे जो आयरन होता है उसके ऊपर जो रस्टिंग होती है जंग लगता है वो एक मंद अभिक्रिया में ही समझा जाता है। दूसरी जो कार्बनिक अभिक्रिया होती है जिसमें पुराने बंध टूटने और नए बंधों का निर्माण होता है, पुराने बंध टूटने और नए बंधों के बनने में कुछ समय लगता है तो उनको भी हम मंद अभिक्रिया में ही समझ लेते हैं। कुछ अभिक्रिया होती है जो तीव्र होती है जिनके संपन्न होने में कुछ क्षण लगते हैं या ये कहें सेकंड का कुछ ही हिस्सा लगता है तो उनको हम कहते हैं तीव्र अभिक्रिया या तात्क्षणिक अभिक्रिया। तो जैसे आयनिक अभिक्रिया एंजाइम वाली अभिक्रिया तो इनके संपन्न होने में सेकंड का कुछ हिस्सा यानी नैनोमीटर या पिको नैनो सेकंड या पिको सेकंड या ये कहें माइक्रो सेकंड का समय लगता है, 10^-6, 10^-9 या 10^-12 इतना ही समय लगता है। तो उन अभिक्रियाओं को हम शामिल करते हैं तीव्र अभिक्रियाओं में या तात्क्षणिक अभिक्रियाओं में, और ये होते हैं मोस्टली आयनिक अभिक्रिया क्योंकि उनमें कोई पुराने बंध नहीं टूटते, वो तो आयन्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है, और वो समाप्त हो जाता है नया अट्रैक्शन बन जाता है, तो वो एक उसमें ना तो समय लगता है ना कोई, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हमें तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। एक होती है बहुत ही मंद अभिक्रिया या बहुत ही तीव्र अभिक्रिया, तो मोस्ट प्योर बातों का अभिक्रिया एक मंद अभिक्रिया और एक है तीव्र अभिक्रिया। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, मंद होगा या तीव्र होगा, उसका भी अध्ययन हम जिसमें कहेंगे बल गति की। अब वेग है तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो वो हो गए वेग को प्रभावित करने वाले कारक। वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अब ये कारक हम सोच सकते हैं ता दा सामता उत्प्रेरक एक्सेप्टर आदि आदि कुछ एक कारक। तो बल गति के में पहले तो ये देखेंगे अभिक्रिया का वेग है, ठीक है, फिर वेग को प्रभावित करने वाले कारक यानी उसके प्रताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है अभिक्रिया की क्रिया वेग। कोई अभिक्रिया है कुछ अभिक्रिया ऐसे होती है जो एक ही पद में संपन्न नहीं होती, कई पदों में संपन्न होती है। मान लीजिए एक ये प्रारंभिक पदार्थ था, इसमें बदलाव हुआ किसी दूसरे में बदलाव और उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, हम जानते हैं जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसका नहीं होगा, तो वो दूसरा पदार्थ है वो किसी तीसरे में बदल गया, तीसरा है वो किसी चौथे में बदल गया, फाइनली ऐसे पदार्थ में बदल गया जिसकी ऊर्जा बहुत ही कम है, किससे अभिकारक की तुलना में जो प्रारंभिक पदार्थ गया था उससे बहुत ही कम है, तो वो स्थायी हो गया वापस उसको निर्मित नहीं हो सकता। तो हम बीच वाले पद ना लिख रहे, सिर्फ वही लिख रहे हैं जो स्थायी होते हैं, पहले वाला और एक अंतिम। तो बीच वाले पद है उनका सभी का जो अध्ययन करना पड़ता है, एक पद में हुई है दो पद में हुई है बीच में बनने वाले पद जो मध्यवर्ती थे वो कौन कौन से थे, उनको बोलते हैं हम अभिक्रिया की क्रिया वेग। तो तीसरा पॉइंट हो गया इसमें अभिक्रिया की क्रिया वेग मैकेनिज्म। अब ये नए तीन पॉइंट है जो कौन बताती है रासायनिक बल गति। अब सिंपल तरीके से देखें तो ये अभिक्रिया रासायनिक का मतलब रासायनिक अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया को क्या लग रहा है बल, और बल के द्वारा उसमें क्या हो रही है गति, इसका मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है
उसको बल मिला और बल के द्वारा उसकी गति हुई, उसका अध्ययन करना ये क्या कहलाता है, रासायनिक बल गति। ये तो एक सिंपल सी बात होती है हम यदि जनरल देखते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये देखें तो रासायनिक बल गति एक वह शाखा है जो किसी अभिक्रिया के वेग, किसी अभिक्रिया के वेग वेग को प्रभावित करने वाले कारक, कार्बन मैग्नेटिक ताप दाब सांद्रता प्रेरक आदि, वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम कहते हैं रासायनिक बल गति की। एक बार फिर देख ले, रासायनिक बल गति रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उस रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि का जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा का नाम है रासायनिक बल गति की। तो इस परिभाषा के अंदर ही हमें समझ आ गया कि हमें आगे किस चीज का अध्ययन करना है। पहला अध्ययन है अभिक्रिया का वेग क्या होता है, उसका मात्र क्या होता है, किससे प्रभावित होगा वो देखना है। फिर वेग को प्रभावित करने वाले कारक, कारक भी बहुत सारे, कुछ एक तो ताप दाब सांद्रता उत्प्रेरक पीएच, कुछ अभिक्रिया है जो प्रकाश से प्रभावित होती है, प्रकाश भी हो जाएगा, अभिकारक है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो जाएगा, तो उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। और तीसरा बिंदु हो गया अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो ये मोस्टली हम देखते हैं जो आणविक अभिक्रिया होती है, और आणविक का मतलब जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, मोस्टली ये होती है कार्बनिक अभिक्रिया। तो उन एक पद में हो रही है, दो पद में हो रही है, तीन पद में हो रही है, उनका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया अपना इसका एक कंसेप्ट तैयार हो गया कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। तो वेग है, फिर वेग है उसका डिफरेंशियल रेट्रो क्या होगा और इंटीग्रल उसका रेट इक्वेशन क्या होगा वो भी इसी में पढ़ेंगे। और एक इसके साथ में टॉपिक जुड़ जाता है कुछ प्रेरण, वो भी हम पढ़ेंगे। अब बात यह है कि रासायनिक बल गति उसका कार्यक्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा तो उसके कार्यक्षेत्र के बारे में जानकारी दीजिए। तो कार्यक्षेत्र का मतलब है रासायनिक बल गति की में हम किन बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं या किन बिंदुओं को ये प्रकाश मिलाती है। तो हम ये कहेंगे रासायनिक बल गति की एक ऐसा प्रकाश है जिस प्रकाश में किसी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक अभिक्रिया के उसके वेग के बारे में जानकारी मिल जाती है, उस वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी मिलती है कि ताप से उसका वेग बढ़ेगा या घटेगा, दाब से वेग बढ़ेगा या घटेगा, सांद्रता से क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्प्रेरक मिलाने से बढ़ेगा या घटेगा, और अभिक्रिया की क्रिया विधि है वो क्या होगी, अभिक्रिया एक पद में संपन्न होगी या दो पदों में संपन्न होगी, एक पद में संपन्न होगी दो पदों में संपन्न होगी, तो बीच में उसके कौन से मध्यवर्ती बनेंगे, इंटरमीडिएट बनेंगे। सक्रिय अवस्था आती है तो सक्रिय संकर है उसकी ऊर्जा क्या होगी, वहां पर किस प्रकार का मॉलिक्यूल बनेगा या मध्यवर्ती स्पीसीज बनेगी, उसका भी अध्ययन किया जाता है, यानी इसके कार्यक्षेत्र में लिया जाता है। कई बार हम किसी अभिक्रिया अभिकारक है उससे जब उत्पाद बनता है तो हो सकता है कि अभिकारक है, यदि मोस्टली हम देखें तो कार्बनिक यौगिकों की वो प्रकाशिक सक्रिय हो सकते हैं, तो वो प्रकाशिक सक्रिय तो बना हुआ उत्पाद प्रकाशिक सक्रिय है या नहीं है। और इस आधार पर हम तीन चीजें देखते हैं कि अभिकारक यदि प्रकाशिक सक्रिय है तो बना हुआ उत्पाद प्रकाशिक सक्रिय है या नहीं है उसके बारे में जानकारी मिलती, यानी उसके ऊपर ये प्रकाश डाल दिया इसका भी ये कार्य क्षेत्र हो गया। और यदि ये बना हुआ उत्पाद स्वयं अभिकारक के समान ही है तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। और यदि उसका विपरीत हो गया जिसको हम बोल देते हैं इन्वर्जन हो गया, उसका विन्यास बदल गया, सैन विन्यास का प्राप्त हो रहा है जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन, और यदि इसका जो विन्यास है कॉन्फिगरेशन है वो चेंज हो गया उसको हम बोल देते हैं इन्वर्जन। मोस्टली हमने पढ़ा था वार्डन इन्वर्जन रिटेंशन, ये कार्बनिक अभिक्रिया हो गए। या फिर ये एक से दो उत्पाद बनाता है, एक रिटेंशन है और एक इन्वर्जन वाला है, उनका मिश्रण प्राप्त हो गया, मिशन है वो रेसिपिक मिशन है, तो रेसिपिक मिशन मिलेगा या इन्वर्जन मिलेगा या रिटेंशन मिलेगा, इसका भी जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, रासायनिक बल गति में ही किया जाता है। या अभिक्रिया है, अभिक्रिया है वो रिलीजियो सिलेक्टिव होगी या स्टेरियो सिलेक्टिव होगी, उसका भी अध्ययन है वो रासायनिक बल गति में किया जाता है, यदि उसका ये कार्य क्षेत्र है। तो हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि रासायनिक बल गति की एक ऐसा प्रकाश है जिसके जिस प्रकाश में किसी अभिक्रिया के बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त हो जाती है। और वो जानकारी मैंने बताती, वेग हो गया, वेग को प्रभावित करने वाले कारक हो गए,
या क्रियाविधि होगी या उसका जो प्रकाशित समानता के संदर्भ में देखें तो उसके प्रकाशित गुणों का अध्ययन करना हो गया। और कई बार थोड़ा ये है कि वो रिजियो सिलेक्टिव है, यानी सिलेक्टिविटी देखा जाता है, हिंदी में उसको वर्णात्मकता बोलते हैं कि वो वर्णात्मक है या नहीं। तो वो प्रकाश उसके उस रासायनिक प्रकृति की जो प्रकाश है, उस प्रकाश में इस प्रकार के गुणों का हम अध्ययन कर सकते हैं या उसको स्पष्ट देखा जा सकता है। तो ये तो थी हमें रासायनिक बलगतिकी का प्रारंभिक अध्ययन। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो वेग से शुरू करेंगे। तो वेग हमने नॉर्मली देखा था ये रासायनिक अभिक्रिया है। टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो एक बार हम वेग के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, बेसिक जो नॉलेज है। हम नॉर्मली देखते हैं कोई भी वस्तु है उसका जब हम वेग देखते हैं, मान लीजिए वस्तु है वो बिंदु A पर थी और A बिंदु से चलकर वो कांच ले गई बिंदु B पर। तो हम ये जो वस्तु A, कोई वस्तु थी जो बिंदु A पर थी, हम उसका वेग निकाले तो हम ये लिखते हैं वेग बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यानी समय के साथ वस्तु है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, उसकी दूरी में परिवर्तन हुआ है, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो समय के साथ दूरी में परिवर्तन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं किसी भी वस्तु का वेग। क्योंकि एक सदिश राशि है, एक निश्चित दिशा में होता है, एक होती है गति, वो सदिश राशि होती है, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। चलो वो एक बात है। तो हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया है, कई बार उसको गति लिख देते हैं, कई बार वेग लिख देते हैं। तो थोड़ा सा अंतर ये रखना कि वेग सदिश राशि है और गति है वो सदिश राशि है। अब चूंकि अभिक्रिया का वेग बोलते हैं कि इसमें तो कोई दिशा होती नहीं है, हाँ दिशा होती है, अब वो दिशा क्या होती है, अंधकार से उत्पाद की तरफ, तो एक निश्चित दिशा होगी, तो है हम सदिश राशि के रूप में मानते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम देखते हैं, कई बार गति भी देते हैं, कई बार वेग, कोई ज्यादा फर्क नहीं, वो एक अलग बात है। तो दूरी बटे समय हम अभिक्रिया के ऊपर लागू इसको करें, तो चूंकि अभिक्रिया है उसमें अधिकारक है वो दूरी तो तय करता नहीं, तो फिर इसके वेग की परिभाषा क्या क्या लिखें या इसका सूत्र क्या लिखें, तो वो इस तरह से लिखा जाता है कि हम ये देखें वेग बराबर परिवर्तन हुआ है, समय के साथ परिवर्तन हुआ है। अब वो परिवर्तन क्या हुआ है वो हमें थोड़ा पहचानना है, और वो पहचान लेंगे तो उसकी परिभाषा है वो भी इजी हो जाएगी, लिखने में आसान हो जाएगी। वो परिवर्तन क्या हुआ है, पहले ये पदार्थ, मान लीजिए ये पदार्थ था अपना, ये अभिकारक था, और इसका इतना भाग कुछ समय में इसमें बदल गया, दूसरे पदार्थ में बदल गया जिसको हमने उत्पाद नाम दे रखा है, उसमें बदल गया। अब परिवर्तन क्या हुआ, समय लगा एक सेकंड दो सेकंड या कुछ नैनो सेकंड लगे, लेकिन परिवर्तन हो गया ना, अभिकारक उतना का उतना वो वैसा का वैसा नहीं रहा, लेकिन दूरी भी चेंज, दूरी तो इसमें होती है वस्तुओं में होती है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम ये कह सकते हैं पदार्थ जो अभिकारक था ना उसकी मात्रा में चेंज होती, तो मैं ये लिख देता हूं मात्रा बटे समय। यानी यहां पर हमें पदार्थ उसकी मात्रा में परिवर्तन मिल रहा है समय के साथ। चलो ठीक है, अब मात्रा से हम, चूंकि रसायन की भाषा में किसी पदार्थ की मात्रा को हम व्यक्त किसमें करते हैं, मोल में, तो चलो मात्रा को मैंने क्या लिख दिया, मोल प्रति समय। ठीक है, अब मोल बटे समय, अब चूंकि मोल लिख दिया तो मोल तो कितने भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर एक राशि लेकर हम इस अभिक्रिया को करवाते हैं। और वो होता है कि पदार्थ कि जब मात्रा या पदार्थ को जब शो करते हैं कि उसकी कितनी मात्रा है, तो एक पद आता है अपना सामर्थ्य, वो पदार्थ की तुलनात्मक मात्रा बताता है, क्योंकि ये अभिकारक था तो इसके साथ दूसरा भी होता है, या कोई चीज मिश्रण करके बनाते हैं तो वो एक विलयन या मिश्रता बन जाता है, तब हम एक शब्द कम लेते हैं सामर्थ्य। तो मोल यदि इकाई लीटर में लिया जाए तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा, तो मोल प्रति लीटर हम इसको यदि लिखते हैं मोल प्रति लीटर बटे समय, तो ये एक इकाई मोल से क्या लेते हैं, हमने एक इकाई लीटर में, अब चूंकि मोल प्रति लीटर किसका मात्रक होता है सांद्रता का, ये हो गया सांद्रता बटे समय। और सांद्रता उस पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है, जो मैन व्यक्त है जो क्या कहने वाला था ना उसी को बताता है, तो ये हो गई सांद्रता बटे समय। अब देखिए इसकी पहली सांद्रता कुछ और होगी, बाकी कुछ सांद्रता और होगी, क्योंकि मोस्टली जो अभिक्रिया है वो विलयन के रूप में संपन्न करवाई जाती है, तो विलयन जब बनाते हैं एक होता है
सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। तो यहां पर सॉल्यूट की मात्रा चेंज होती है ना कि सॉल्वेंट की। तो सॉल्यूट की मात्रा चेंज हुई है तो संगतता को ले लिया, उस सॉल्यूट के मोलों की संख्या और टोटल जो विलयन था उसका आयतन, तो वो होगी संगतता। अब इसमें जो ये चेंज तो ये मोल होगी सॉल्यूट का नहीं, तो हम उसको ऐसे देख सकते हैं कि जो विकारक है उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है किसके साथ, समय के साथ। तो अपना ये हो गया विक्रिया का वेग, क्या हो गया सांद्रता बटे समय, अर्थात समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन उस विक्रिया का वेग होता है। ये तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज था, आगे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन से करेंगे। वेग वेग कितने प्रकार के होते हैं, कोई विक्रिया उसका स्पेसिफिक वेग होता है या नहीं होता है, ये अपना आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching.